अमृतसर, क्योंकि जहाँ भी चले जाओ लोहड़ी सिर्फ और सिर्फ अमृतसर की सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे लोहड़ी कलरफुल दिन में हम करते हैं काइट फ्लाइंग एंड रात को हम जलाते हैं लोहड़ी। लोहड़ी काइंड ऑफ लकड़ियाँ होती हैं, उसको जला के फिर साथ में डांस करते हैं। और आज हम वही ट्रेडिशन आपको दिखाने लेके जा रहे हैं। और ये है हमारा पुराना घर, मेरे हमारे कजन का घर है अमृतसर में। और ये देखिए कितनी बीड़ी बीड़ी को क्या बोलते हैं हिंदी में, टाइट टाइट्स बोलो आप, कि बहुत ही टाइट सीट है। इसमें कार तो आई ही नहीं, सिर्फ बाइक सी आती हैं। और अमृतसर में इससे भी टाइट गलियां हैं, तो जहां हम पहले रहते थे वो इतनी सी लेन थी कि वहां सिर्फ हम अकेले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो काइट फ्लाइंग का मजा आएगा वो मजा ही अलग है। काइट फ्लाई के लिए तैयार? फ्लाई हो रही से हैप्पी लोहड़ी। डीजे की हमें सिर्फ काइट फ्लाई नहीं होगी, डीजे भी चलेगा साथ में। डीजे की तैयारी हो रही है फुल। रुमी जी हुई नहीं तैयारी? हो गई बस। ये है ऊपर एक मोंटी, इसको हम यहाँ पे मोंटी बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेशली काइट फ्लाई होती है। वो देखो वो ऊपर लड़के चढ़े हुए हमारे। अभी डीजे चल जाएगा तो हम भी वहीं पे जाएंगे। वो देखिए उस तरफ, देखिए सारी, देखिए उधर हर छत पे कितने कितने सारे लड़के खड़े हैं, लड़के खड़ी हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर छत पे। Thank you.
क्या हो रहा है ये? मैं उड़ाऊंगा म्यूजिकल काइट फ्लाइंग हो रही है यहाँ पे। और देखिए और ये क्या हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, खेंचा खेंचा। इतना रिच कल्चर है हमारा। नहीं उठनी ये क्या कर रहे हैं? ये देसी जुगाड़ तलावा मारना। तलावा तो ये है हमारा डॉलर, इसको आप कैश करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हो रही है। कहीं भी करवा लो कोई भी चलेगी। डॉलर कैसी लड़की चाहिए आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? जिन्हें तलावा पानी आती है उन्हें ये मैं थोड़े से वीडियो बनाऊं। अरे बाप रे, ये जैसे सब लोग ऊपर आ रहे हैं और ये काइट बढ़ती जा रही हैं। ये सुमित की काइट है, रेड वाली। देखो वो, देखो क्या एंजॉय हो रहा है। पंछियों के साथ काइट उड़ रही है, क्या सीन है। ओह माय गॉड, अपनी हुई किसी और की नहीं हुई। इधर नॉर्मल चिकन का भी बंदोबस्त, लोड़ी विद चिकन एंड दारू शारू। थले पार्टी जल्दी भी है, बढ़िया। उधर मुर्गे शुरगे
एंजॉय करते हुए। और रात को लोहड़ी का फंक्शन कुछ इस तरह मनाया जाता है कि किसी बच्चे की अगर पहली लोहड़ी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या फिर किसी नए नए शादीशुदा जोड़े की जो पहली लोहड़ी होती है, तो अपने रिलेटिव्स और आसपास के अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को इकट्ठा किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाती है। और ये है उसकी कुछ झलकियाँ। yes.